नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेनू सिंह गहलोत, गहलोत हेल्थ केयर, रेनू IVF कानपुर से। आज हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में। हाँ जी, कैंसर की भी वैक्सीन है आज हमारे पास। सर्वाइकल कैंसर इंडिया में भारतीय महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है और यह कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा होता है और ज़्यादातर इसके वायरस के जो स्ट्रेन हैं जो कैंसर कॉज करते हैं उनके बारे में आज हमारे पास जानकारी है। और उनमें से HPV वायरस 7 और 11, 16 और 18, 31, 33 ये सारे वायरसेस ज़्यादा कॉमन हैं। कैंसर कॉज करने वाले वायरस की बात की जाए तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 और 18 मोर देन 70% केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर में पाए गए हैं। 7 और 11 ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस से जेनाइटल वॉर्ड्स या जो योनी और उसके आसपास के मस्से हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यही चार वायरस के स्ट्रेन्स या दो वायरस के स्ट्रेन्स जो कॉमनली कैंसर कर रहे हैं उनके अगेंस्ट वैक्सीन्स डेवलप की गई हैं। और यह धक्का क्या है कि जिन कंट्रीज़ में उनके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में ये वैक्सीन्स दी जा रही हैं वहाँ पर सर्वाइकल कैंसर से होने वाली डेथ्स में सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ है, बहुत कमी आई है। अनफॉर्चुनेटली भारत देश में हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमी अभी इतनी अच्छी नहीं है, हेल्थ पे एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है और यह वैक्सीन्स काफ़ी कॉस्टली हैं जिसकी वजह से अभी सबको फ्री में ये वैक्सीन्स नहीं लग पा रही हैं और महंगी होने की वजह से शायद सबकी जो इकोनॉमिक रीच है फाइनेंशियल उसमें भी नहीं आ पा रही हैं। बट ये बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में जागरूक हों और यह कैंसर से बचाने वाली वैक्सीन को अवश्य लगवाएं। इस जानकारी को देने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कैंसर की जो वैक्सीन है वो दो तरीके की है हमारे पास, एक गार्डासिल और सर्वारिक्स। गार्डासिल क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है, इसमें चार तरीके के वायरस यानी कि 7, 11 जो कि जेनाइटल वॉर्ड्स कॉज करते हैं और 16 और 18 जो कि कैंसर के मोर देन 70% केसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, इन चारों वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देखा गया है। इसके भी तीन डोज लगते हैं, 0 यानी कि अगर आज लगा है उसके 1 या 2 महीने बाद और फिर तीसरा डोज उसके 6 महीने बाद। दूसरी वैक्सीन है गार्डासिल के अलावा सर्वारिक्स, जिसमें 2 वायरस के अगेंस्ट इन्होंने अपनी एंटीबॉडीज़ डेवलप करी हैं और वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 और 18। दोनों ही की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2000 के आसपास में है, एग्जैक्ट रेट्स मुझे याद नहीं है। अब किसको ये वैक्सीन लगानी चाहिए? आइडियली जो रेकमेंडेड शेड्यूल है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और वर्ल्ड पीडियाट्रिक एसोसिएशन के हिसाब से उसमें 9 से 13 वर्ष के बीच की सभी लड़कियों और लड़कों को यह वैक्सीन लग जानी चाहिए, फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लग जानी चाहिए और 6 महीने के अंदर तीनों डोज उनको लग जाने चाहिए। कुछ हद तक देखा जाए तो ये वेस्टर्न डेटा है। आइडियली सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होने के 2 साल पहले यह वैक्सीन लग जानी चाहिए, यानी कि अगर शादी 18 वर्ष की उम्र में होने वाली है या सेक्सुअल एक्टिविटी 18 वर्ष की उम्र में शुरू हो रही है तो 15-16 साल से पहले यह वैक्सीन लगने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। यह वैक्सीन आइडियली तो दोनों फीमेल्स और मेल्स, लड़कों और लड़कियों दोनों को ही लगनी चाहिए। फिर वही आता है क्योंकि फीमेल्स में कैंसर ज़्यादा कॉमन है तो ये कहा गया कि भाई फीमेल्स में को प्रेफरेंस दी जाए इस वैक्सीन को देने के लिए, बट अगर मेल्स में भी लगाई जाए तो जो प्रोपोगेशन है सर्वाइकल कैंसर का ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा वो काफ़ी कम हो जाएगा और इस पर हम काफ़ी हद तक काबू पा पाएंगे। तो अब उनका क्या किया जाए जिनकी उम्र अब 9 से 15 वर्ष से ज़्यादा हो गई है? तो अच्छी खबर ये है कि आप इस वैक्सीन को 45 वर्ष तक की उम्र में भी लगवा सकते हैं। तो 9 वर्ष से 45 वर्ष की सभी महिलाएं इस दोनों में से कोई भी एक वैक्सीन के बारे में अच्छे से पता करके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अवश्य से वैक्सीन लगवाइए। इसलिए क्योंकि अभी तक हम लोगों को मात्र करीब 100 ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में पता है जिनमें से 25 से 30 कैंसर कॉज करते हैं। सबसे कॉमन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 और 18 है।
तो हो सकता है आपके शरीर में एक या दो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज नेचुरली बन गई हों, क्योंकि ये देखा गया है कि सेक्सुअली एक्टिव 70-80% मेल्स और फीमेल्स में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन जीवन पर्यंत होता है। अब किसको कैंसर होगा और किसको कैंसर नहीं होगा, यह आपके अपने शरीर की इम्यूनिटी पर और बहुत सारे फैक्टर्स अंदरूनी हैं जिन पर डिपेंड करेगा। तो अच्छा तो यही है कि सभी महिलाएं 9 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की जो भी हैं वो यह वैक्सीन को अवश्य लगवाएं, कि हो सकता है कि अभी तक आपका कैंसर के स्ट्रेन से पाला ना पड़ा हो और आप इस वैक्सीन को लगवाने से कैंसर से बच पाएंगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यह डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वैक्सीन अभी मेरे पास ये सर्वरिक्स वैक्सीन है, इसके अंदर से मैंने ये कार्टन से निकाला था, कल ही एक पेशेंट को लगा था। सिंपल सा इंजेक्शन है, मात्र 0.5 ml सॉल्यूशन इसके अंदर होता है जो आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से बचा सकता है। इसकी एफिकेसी 6 महीने से 1 वर्ष के भीतर में अच्छे से आ जाती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी वैक्सीन जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से महिलाओं को बचा सकती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं बोलूँगी कि 9 से 45 वर्ष की सभी महिलाओं को ये वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जागरूक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।